बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की नींदें अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने उड़ा दी हैं। मजीद मालूमात से मुस्तफीद होने से कबल बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका से वाबस्ता साइंसदानों की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की चौथी बड़ी जंगी कुव्वत भारत, जिसका दिफाई बजट 51 अरब डॉलर है, वो दुनिया की 13वीं बड़ी जंगी सलाहियत रखने वाले मुल्क पाकिस्तान, जिसका दिफाई बजट 6.8 अरब डॉलर है, उससे जौहरी हथियारों के दौर में पीछे है। भारत के पास 100 जबकि पाकिस्तान के पास 120 जौहरी हथियार मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान छोटे दिफाई हथियारों से भी लेस है। इन छोटे बमों को नसल मिसाइल के जरिए फायर किया जाता है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे छोटे दिफाई हथियार बनाने वाला वाहिद मुल्क है, यानी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज के पास है। ये छोटे दिफाई हथियार भारत में घुसकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। पाकिस्तान का फिजाई दफा JF टेंडर की बदौलत मजबूत है। पाकिस्तान के पास क्रूज मिसाइल रद भी मौजूद है, जिसकी रफ्तार 350 किलोमीटर है। ये मिसाइल जमीनी और समंदरी हदफ को ठीक ठाक निशाना बना सकता है। अब बात करते हैं बाबर 2 की, जो 700 किलोमीटर दूर के हदफ पर गालिब आ सकता है। इसे समंदर की तह से आबदोज के जरिए फायर किया जाता है। पाकिस्तानियों के लिए ये बात भी बाइस खुशी है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत कम ममालिक के पास है। पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा ड्रोन बुर्राक और लेजर गाइडेड बर्क का भी कामयाब तजर्बा कर चुका है। गौरी 2 1200 किलोमीटर का जौहरी बम 1800 किलोमीटर दूर तक के हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे आधा भारत तबाह हो सकता है। 2200 किलोमीटर दूर तक का हदफ हासिल करने वाला अबाबील भी किसी से कम नहीं, ऐसी तबाही मचाता है कि हाइड्रोजन बम भी इसके सामने कुछ नहीं। शाहीन 3 इस मिसाइल में 2750 किलोमीटर तक अपना हदफ हासिल करने की सलाहियत है। ये तमाम मिसाइल दुश्मन के रडार से बचकर अपना हदफ हासिल कर सकते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देखकर पाकिस्तान दुश्मनों के छक्के छुट गए हैं। चंद एक मामला फहम भारत को मुतनब्बे कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ना। बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिल सकें।